क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन दैट व्हेन वी से समथिंग हैज सम चार्ज, वी मीन बाय दैट हाउ मैनी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट हैज़, बिकॉज द होल चार्ज इज एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन। इसी से रिलेट एमसीक्यूज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऑप्शन बी चार्ज विच ऑफ इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, तो करेक्ट आंसर यही है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तो करेक्ट आंसर है गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क। क्यों भाई? देखो, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, हेंस द ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव एंड सिल्क बिकम नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है, इसका लेबल उसने क्या लिए हैं? इलेक्ट्रॉन लिए। फोटोन तो देखो वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो क्या होगी, लाइट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे करके। अब एफ खुद बराबर किसके होता है? 1/4πε0 q²/r²। तो देखो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड चार्ज q इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r² इक्वल टू k q/r². अब जैसे कि एक MCQ आई थी, डैश गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज, तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कहते हैं कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटर आर स्टोर इन बिटवीन द प्लेट्स, दिस चार्ज इज स्टेशनरी, सो वी कैन से कैपेसिटर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर इज अ पैसिव डिवाइस, हैज़ इज कंज्यूमर पावर, मेटल आर एज्यूम टू हैव अ हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, सो दे हैव हाई कैपेसिटेंस। कैपेसिटर ब्लॉक डायरेक्ट करंट एट स्टेडी स्टेट एंड पास ऑल्टरनेटिंग करंट। कैपेसिटर ब्लॉक DC सिग्नल एट स्टेडी स्टेट ड्यू टू जीरो फ्रिक्वेंसी ऑफ DC करंट। अब देखो, एक वोल्ट बराबर होता है 1 J/C के। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज व्हेन एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। अब सारी MCQs जो हमने अब तक की पॉइंट पढ़े, द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन एरिया ऑफ प्लेट इज, तो क्या जवाब होगा जनाब? इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक डैश सब्सटेंस, अभी तो देखा था नॉन कंडक्टिंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज पैसिव डिवाइस, तो भाई कैपेसिटर क्योंकि कंज्यूम कर रहा है पावर, बाकी जो ऑप्शन है वो तो जनरेट कर रहे हैं। फॉर विच मीडियम कैपेसिटर इज हाइयर, तो ऑफकोर्स मेटल में हमेशा हाइयर होगी। वाई दस कैपेसिटर ब्लॉक DC सिग्नल एट स्टेडी फ्लो, तो करेक्ट आंसर है ड्यू टू जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ DC सिग्नल। फिर है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो थिकनेस ऑफ प्लेट से नहीं होती, बाकी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट और मैटर से होती। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर कैपेसिटर स्टोर विच टाइप ऑफ एनर्जी, अब देखिए इन ऑप्शन में से अगर हम देखें तो जो ये करेक्ट आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। फिर देखें, इफ द शीट ऑफ बैकलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर, द कैपेसिटर विल ऑफ कोर्स इंक्रीज, ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी, इंसुलेटर होता है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट करंट ओनली। फिर फॉर मेकिंग कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग डैश परमिटिविटी, तो होगा हाई परमिटिविटी। कैपेसिटर ब्लॉक्स डैश आफ्टर लॉन्ग टाइम,
तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम। फिर है इफ अ कैपेसिटर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा द कैपेसिटर बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीज विद ऑप्शन ए लार्ज प्लेट एरिया एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा एरिया लार्ज करो और डिस्टेंस शॉर्टर करो। फिर विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो भाई सेरामिक्स की इन तीनों में चारों में ज़्यादा